विपक्ष TWJ डॉमिनेटर पालघर। जे स्पोर्ट्स बाइंदर बॉयज हा संघ प्रथम जे स्पोर्ट्स बाइंदर बॉयज ये टीम की बैटिंग रहेगी और बॉलिंग करेगी TWJ डॉमिनेटर पालघर। दो ओपनिंग बैटर्स मैकमिलन गोविंद आणि केतन ये दोन आघाडीचे फलंदाज। दोन्ही टीमचे राखीव खेळाडू यांनी यायचं आहे। आइए दोस्तों, मैं आपको इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में बताता चलूं। जैसे महाराष्ट्र गुजरात भारत में राज्य है, वैसे अमेरिका में इलिनॉय नाम का एक राज्य है और शिकागो उसका बहुत बड़ा शहर है। इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए अमेरिका के जो विविध राज्य हैं उनके बीच में एक माइनर काउंटी लीग जो इंग्लैंड में होता है, बिल्कुल ऐसा एक क्रिकेट लीग आने वाले दिनों में आप अमेरिका में देखने जा रहे हैं, जहां भारत के खिलाड़ियों को मौका मिले उसके लिए इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस बैरर्स और विनय सिंह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब के साथ 12 तारीख को उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और सुनील गावस्कर भी इस लीग को अपनी शुभकामनाएं देंगे, उनके साथ बातचीत होगी और बहुत सारी चीजें प्लान्ड है। तो आने वाले दिनों में अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन जो है आपको प्लेटफॉर्म देगा और वो प्लेटफॉर्म के जरिए आप अमेरिका जा सकते हैं। और उसके जो मेंबर है नरेश चौहान, इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नरेश जी अगर आप सुन रहे हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान की ओर से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वी आर थैंकफुल टू यू ब्रदर फॉर सच अ काइंड इनिशिएटिव, अ लवली जेस्चर। और इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा उसके भी चांसेस ब्राइट बनते हैं। देखिए चांसेस बनते हैं, मैं अभी भी ये बताना चाहूंगा, क्योंकि सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन द मैरिट, लेकिन मुंबई के जो प्लेयर्स हैं उनको मौका मिल सकता है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं प्रज्योत अंभीरे। पालघर की टीम वेदांत वाड़ा ने जब सुप्रीमो चषक जीता उसके बाद चित्र में आई राकेश प्रभु, कृतेश गरत, प्रीतम बारी, अनिकेत राउत, करण मोरे, खैर करण मोरे तब नहीं थे लेकिन तुषार गरत, प्रणय गरत, बहुत सारे प्लेयर्स मतलब मुझे आज भी याद है। और पूरा पालघर, राकेश तामोरे इसको हम भूल नहीं सकते, मतलब मेरा बहुत काबिल दोस्त है, उसने भी बहुत मेहनत की, दत्ता बाबू ने मेहनत की। देखिए अनिकेत राउत मेरे पीछे ही बैठे, क्या बात है, 100 साल जिएंगे अनिकेत राउत। मराठी में कहा जाए तो आता चतुर्भुज झालेले आहेत। अनिकेत राउत के नाम पर एक और रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बार गिरकर चोट खाने का रिकॉर्ड। ये उनका रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता अगले कुछ साल तक टूटेगा, लेकिन व्हाट अ फाइटर। ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग को फाइनल में लीड किया उन्होंने 10 PL शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर, वो क्वालिटी का। अनिकेत राउत हमारे बीच उपस्थित है और आइए शुरुआत करते हैं। पहली गेंद इस बार मैकमिलन वेदांत, इन्होंने एक रन को पूरा किया है और अब स्ट्राइक पर आएंगे मैकमिलन गोविंद। उबैद खान का जो टूर्नामेंट था मीरा रोड का, मुझे याद है पहले ही मैच में टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच मैकमिलन गोविंद ने जो बैटिंग की थी, मतलब काबिले तारीफ। और ऐसा ये बड़ा खिलाड़ी है, इस मैच में आप हमारे काबिल दोस्त अनंत वाघ मैगी को भी देख रहे हैं। इस बार लपेट लिया है गेंद के नीचे फील्डर और ये आउट, बहुत ही आसान कैच। किरण ने कैच लिया वहां पर और आउट हो गए मैकमिलन गोविंद। और नए बैटर है आदित्य शेट्टी, टीम के कैप्टन। तो हमारे बीच
बोरिवली के स्टार क्रिकेटर रणजीत वैती इनका आगमन हुआ है। रणजीत वैती अपन मंचावर यायचा आहे। चक्रा या टोपण नावाने जगभरात विख्यात असलेले चक्र्या भाऊ, चक्र्या एवढा लोकप्रिय झाला की त्याचा नावाने चितळे बंधू यांनी चकल्या काढल्या तरी ते सुद्धा पॉप्युलर होतील असा चक्र्या भाऊ जरा मंचावर या, मंच आपली वाट पाहतोय। मॅकमिलन गोविंद गेट्स आउट फॉर नॉट, नए बैटर है आदित्य शेट्टी। पंतनगर के बारिश के क्रिकेट टूर्नामेंट से आदित्य शेट्टी का नाम हुआ। इस बार सफल होकर बहुत अच्छे अंदाज में खेला था वेदांत ने, वहां पर स्ट्राइक जाती हुई आदित्य के पास। बंडिया बॉयज, कांधारी किंग्स, रॉयल स्टनर्स, ऐसे अलग अलग टीमों के लिए आदित्य ने अंडर आर्म, ओवर आर्म, टर्फ क्रिकेट, तमाम क्रिकेट खेला है। बहुत अच्छे हार्ड हिटिंग बैटर है, अच्छी हाइट है उनके पास। सामना करेंगे प्रज्योत अंबीरे का। इस बार स्ट्रोक में ज्यादा ताकत नहीं थी लेकिन बॉल को वाइडिश मिड ऑन की तरफ धकेला था और प्रज्योत अंबीरे अपने फॉलो थ्रू में जाकर उसको रोकते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पर पहुंचा है। इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन को याद रखिए दोस्तों, हर मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनके द्वारा और कामेश स्पोर्ट्स द्वारा भी एक टी शर्ट है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 5,000 रुपए की इनामी राशि नरेश चौहान जो कि इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर है उनके द्वारा यहां पर आईसीए देगा। इस बार गेंद को ग्लांस कर दिया है, तेज आउटफील्ड पर बॉल भागती हुई मैदान के बाहर, 4 रन, उत्कृष्ट टाइमिंग, केवल टच एंड गो वाली बात थी। प्रज्योत अंबीरे की गेंदे तेज आती है और उसको केवल टच एंड गो और बॉल को ऑन द गो भेज दिया 4 रन के लिए डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। बॉलिंग करना कितना मुश्किल है देखिए, वहां पर आदमी का पैर जो है बहुत बॉडी बैलेंस रख के बॉल करनी है, बैट्समैन के लिए जिंदगी थोड़ी आसान है। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर मॉन्स्ट्रस जाइगेंटिक वेदांत ने वहां उस गेंद को भेज दिया आनंद फानन में 6 रनों के लिए। बॉल के पेस का उपयोग ऑन द राइज, बहुत अच्छा एल्बो पोजीशन और बॉडी बैलेंस और यह लगा गगनचुंबी छक्का। 1 ओवर के बाद स्कोर हो गया 13। जे जे स्पोर्ट्स बाइंदर बॉयज, हमारे जोनस आर्ची डिसूजा की आज याद आ रही है। जोनस ने कोलगेट में मारा हुआ वो शॉट मैं आज भी नहीं भूल सकता, इतना मतलब ऐसा सिक्स मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा। इतना हजारों के क्राउड के बीच में एक और 1 सेंटीमीटर का फर्क के लिए मैच इतना रुका था, आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। अब नया ओवर लेकर आ रहे राकेश प्रभु, अब ये भी फाइटर खिलाड़ी है, लेदर बॉल, रबर बॉल, टेनिस बॉल, सुप्रीमो चषक के मैन ऑफ द टूर्नामेंट गाड़ी जीत चुके हैं और इस साल के भिवंडी प्रीमियर लीग में डबल हैट्रिक, 4 बॉल में 4 विकेट लेने का पराक्रम जिन्होंने किया वो राकेश प्रभु अब गेंदबाजी करेंगे आदित्य शेट्टी को। tenniscricket.in पर इसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में। प्रभु की गेंद और शेट्टी ने क्लोज टू द बॉडी पुल कर दिया था, कैच का मौका जरूर था, हालांकि कैच नहीं होगा लेकिन रन जरूर पूरा किया आदित्य ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। कृतेश गरत, देखिए कृतेश गरत का ओवर आर्म क्रिकेट में आना यह भी पालघर के लिए अच्छी बात है। कृतेश गरत केवल अंडर आर्म का प्लेयर नहीं है, ये ओवर आर्म का भी प्लेयर है। एक और अच्छी गेंद, इस बार गेंद के पेस को थोड़ा कंट्रोल किया था वेदांत के स्ट्रोक के रेंज को पढ़ते हुए। राकेश प्रभु की ये खास बात है, हाई आर्म बोलिंग एक्शन है और छोटे रनअप पर गेंदबाजी करते हुए वेदांत के लिए। और अभी देखिए दिस इज अ फॉलिंग हुक शॉट, हाई एंड हैंडसम ठोक डाला, 6 रन। स्कोर हो गया 20। ऐसा टाइमिंग चाहिए, कौन कहता है टाइमिंग केवल राडो और रोलेक्स की घड़ी में होता है, टाइमिंग वेदांत जैसे बैटर के बैट में भी होता है। व्हाट अ शॉट, खुद गिरते गिरते बच गए लेकिन गेंद को मैदान के बाहर भेजा वेदांत। इस बार अब राकेश प्रभु ने इस बार उनको मामा बनाया, डेफिनेटली मामा बनाया। इसको कहते हैं कि
आपके स्ट्रांग जोन में मैंने गेंद की, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं मेरे स्ट्रांग जोन में आता हूं, आप खेल के बताइए। फैंटास्टिक बॉल, इस बार फिर से मिडल और लेग स्टंप की लाइन, और उसको ग्लांस कर दिया है, बैकेट ऑफ स्क्वायर, एक रन पूरा किया, दूसरा लेना खतरे से खाली नहीं होगा, हालांकि कोशिश की जा सकती है बल्ले को ग्राउंड करते हुए, यहां पर तीसरे का मौका बन सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे जा चुके थे वेदांत, बहुत ज्यादा आगे दौड़कर चले गए थे, मानो मीरा रोड में रहने वाले वेदांत आंख लग गई और भाईंदर स्टेशन पहुंच गए। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। इस बार ऑन दी अप खेला है, बॉल काफी समय हवा में, गेंद के नीचे, फील्डर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, वहां कैच लिया गया और वेदांत को आउट होकर लौटना पड़ेगा। वामन ने कैच लिया, करण रावरे, और मेरे काबिल दोस्त विक्रांत जाधव, लालबाग प्रीमियर लीग के आयोजक, गोटिया के नाम से विख्यात, आपका हार्दिक स्वागत है विक्रांत भाऊ। श्रीजा 11, इसको आप कभी भूल नहीं सकते, लोअर परेल करी रोड प्रभा देवी से लेके चिवड़ा गली तक, किसको भी आप पूछे विक्रांत जाधव कड़े जायचा है, ठीक है साहेब मैं पोचवतो। तो वेलकम विक्रांत जाधव, और अमित बाबा ठवाड़, एमएचबी कॉलोनी में आकर आप पूछेंगे अमित बाबा ठवाड़, अरे साहब रुको मैं पहले चाय पिलाता हूं फिर आपको लेके जाता हूं, मैं केवल जिंदगी में तीन चीजों को मानता हूं, एक आई बाबा, एक साई बाबा और अमित बाबा। तो अब लेफ्टी बैटर आ चुके हैं और अब ये बहुत बड़ी खतरे की निशानी बन सकती है, क्योंकि लेफ्टी क्रिकेटर्स ने यहां अच्छा परफॉर्म किया है, शशिकांत कदम कहिए या फिर मतलब और भी इजाज कुरैशी, बहुत सारे सुमित ढेकले, लेफ्टीज हैव डन गुड ऑन दिस ग्राउंड। रोहित नार्वेकर, ऐसे काफी लेफ्टीज ने इस मैदान को खेल कर नाम कमाया है। वाइड बॉल से शुरुआत यहां पर प्रज्वल दंभीरे की, नए बैटर है गणेश, बहुत अच्छा स्टांस गणेश का, ओ क्या काटा था प्रज्वल दंभीरे, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर टप्पा खाकर, जाफा इस तरह की गेंद है, जाफा द रिपर्स जो आप देखते हैं क्रिकेट में, और इस बार बाहरी सिरा, देखिए बिल्कुल वही लाइन वही लेंथ, कोई फुटवर्क नहीं और गणेश आउट, बड़ा विकेट, विकेट नंबर 3 का पतन जेजे स्पोर्ट्स भाईंदर बॉयज के लिए। गणेश भी आउट हुए 0 पर, एकमात्र वेदांत ने अच्छी पारी खेली, उनका स्कोर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त नए बैटर है एस्टल, एस्टल आपने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे नेथन एस्टल, और जब बात चली है तो मैं बताता चलूं स्टंप टू स्टंप बॉलिंग के चार बादशाह न्यूजीलैंड ने पैदा किए एक समय एक साथ, गेविन लार्सन, नेथन एसल, क्रिस हैरिस और रॉड लदाम, बाद में उसको डियन नैश वगैरह आगे ले गए, बट सच वॉज द क्वार्टेट। एसल मैदान में उतरते हुए, प्रज्वल दंभीरे जब पानी में चलकर आ रहे हैं तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अलग सीन है, इट इज नॉट इजी, बॉलिंग करना सबसे मुश्किल काम है, और प्रज्वल दंभीरे तैयार है, ओह क्या गेंद थी, स्टंप को फूक मारती हुई बिल्कुल अनिश्चितता के गलियारे में टप्पा खाकर निकल गई राकेश प्रभु के दस्तानों में, बिंदी गेंद और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 23 for 3, 20 रन बनाकर आउट हुए वेदांत, अन्य बल्लेबाजों ने कोई खास रन बनाए नहीं है। ओहो इस बार तो शरीर के ऊपर गेंद मानो धसकर आ गई और प्रज्वल दंभीरे स्वयं वहां दौड़कर चले गए और थोड़ा शाबाशी दी, हालचाल पूछा भाई ज्यादा लगा तो नहीं, क्योंकि बहुत तेज गेंदे आती है। रवि बुम्बक, विजय पावले,
सुल्तान खान, प्रज्योत अंबीर है, ये कुछ बॉलर्स है जिनके बॉल का पेस मतलब पेट वेट में आतड़ी में लग गया तो खुदा खैर करे। इस बार चाबुक शॉट और सीधा मैगी के हाथों में आता हुआ एक आसान कैच, आउट हो गए वहां पर बैटर एसएल, कॉट बाय अनंतवाग, मैगी बोल्ड बाय प्रज्योत अंबीर है। नए बैटर है कैवल्य बंधु पाटिल, जू चंद्र के खिलाड़ी है, ब्रांडेड स्पोर्ट्स उनका ब्रांड है और उनके पापा दत्ता धाड़ी, इनके कई टूर्नामेंट्स हमको करने का मौका भी मिला जब हमने शुरुआत की थी अपने करियर में। अनंतवाग मैगी, मैगी के हाथ में गेंद इस तरह बैठ गई जैसे गैस के ऊपर रखे हुए बर्तन के अंदर मैगी गर्म होते होते शुरू हो गई। अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट का बादशाह है मैगी, जिन लोगों को मैगी पता नहीं है उसके साथ 10 मिनट बैठो तो आपको समझेगा कितने बड़े प्लेयर है वो, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी को बताया नहीं मैं बड़ा हूं ये हूं, अपना काम करता हूं। ग्लोबलिंग वेस्टर्न शिपिंग 10 PL फाइनल खेलने वाला खिलाड़ी है अनिकेत राउत के साथ, क्या जबरदस्त मैच रहा था वो। इस बार कैवल्य पाटिल ने गेंद को हुक कर दिया, बॉल जा रही है डीप फाइनल की तरफ जहां फील्डर है, एक रन मिलेगा कैवल्य को, एक अच्छा ऑलराउंडर है कैवल्य। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24, दो रन का ओवर यहां पर प्रज्योत अंबीर द्वारा, कम खर्चा फुल चर्चा और 3 ओवर का खेल समाप्त, 2 ओवर का खेल बाकी। जेजे स्पोर्ट्स भाईंदर बॉयज के लिए अच्छी बात यह है कि बारिश रुक गई है लेकिन वो स्ट्रोक्स नहीं आ पा रहे, नियमित अंतराल पर विकेट गिरती जा रही है। और अब नए ओवर को प्रारंभ किया जाएगा, बिल्कुल हमारे बाजू में बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर का बिल्डिंग है, रोहित आचार्य नए गेंदबाज। दोस्तों यही वो मैदान है जहां पर रोहित शर्मा ने काफी क्रिकेट खेला, मुझे याद एक ट्राइंगुलर अंडर 10 और अंडर 12 का टूर्नामेंट मुकेश भाई भंडारी ने आयोजित किया था, उसमें प्रेसी अंकल, गावदेवी और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा ट्राइंगुलर टूर्नामेंट था और बलविंदर सिंह संधू साहब के हाथों रोहित शर्मा को इनाम दिया गया था। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। टैप करते हुए खेला, बॉडी बैलेंस अच्छा नहीं रख पाए थे, थोड़ा डिफिकल्ट क्रिकेट है रबर का क्रिकेट, लेकिन एक रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 for 4, 4 विकेट पर 26। चौथा ओवर, आदित्य शेट्टी काफी समय से क्रीज पर रुके हैं, अब उनसे थोड़े बड़े क्रिकेट की अपेक्षा हम करेंगे। बॉल दायरे के बाहर रही ऐसा लगा लेकिन अंपायर का निर्णय अभी तक नो बॉल, पहला नो बॉल आज की सुबह का और फ्री हिट, क्या फ्री हिट सुपर हिट होगी? सुपर हिट तो नहीं हुई लेकिन वाइडिश गली में गेंद गई, कम से कम 2 रन पूरे किए जा सकते हैं और अब जाकर फील्डर वहां पहुंचे जब तक 2 रन पूरे किए जा चुके हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट लगातार दिखाते हुए दोनों बैटर्स और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 29 धावा 4 गड़ी बाद। आप देख रहे हैं दीपक शाह मेमोरियल बोरीवली MHB कॉलोनी गोराई स्थित जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान पर इस प्रतियोगिता को खिलाया जा रहा है। दीपक शाह स्वयं इस ग्राउंड पर बहुत सारा क्रिकेट खेले हैं, आदित्य खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद गई ऑफ साइड पर, तो स्कोर अब 30 पे पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारा सहयोग, दीपक शाह के भाई शेखर भाई, राजन पांडकर साहब, मुकेश भाई, मोहन पाटिल जी, धर्म मेहता, जेजे स्पोर्ट्स, भावदेवी, जोनस क्रीमी नट्स, विजू मोरे, सुनील यादव, मयूर भाई, पापे स्पोर्ट्स, मंगेश इंटरनेट, नीलेष जादव, योगेश भाई, न्यू MHB बॉयज, गोपाल सावंत, भूषण सर और एलाइट, इन सभी का शुक्रिया।
एमएचबी बॉयज रऊफ खान एंड टीम, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार आदित्य शेट्टी ने स्ट्रोक तो बढ़िया खेला, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर और शेट्टी आउट, पांचवा विकेट। प्रशांत घरत के हाथ में आता हुआ कैच, प्रशांत घरत जाने फलंदाजला पाठवलाय परत। प्रणय घरत, तुषार घरत, प्रशांत घरत, कृतेश घरत। लेकिन देखिए एक चीज ये भी है कि इतने सारे घरत है, मात्रे है, पाटिल है, लेकिन उसके बीच में एक ही राउत है, अनिकेत राउत, आपला राउत, सोशल वर्क। अनिकेत राउत की दोस्तों एक और बात बताना चाहूं, जरूरी है, अपने जीवन में जब जब उनको इनाम मिला उसमें से इनाम की खासी रकम उन्होंने सोशल वर्क के रूप में जो लोग जरूरतमंद है उनको वापस की, ये उनकी बड़ी खासियत है। इस बार ऑन द राइज कैवल्य पाटिल का रबर स्टैम्प देखना होगा, और गेंद गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। उन्नत होकर खेला था, बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस, सर स्थिर था, एल्बो पोजीशन देखते ही बन रही थी, और कैमरा के लिए क्लासिक शॉट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। चार ओवर का खेल समाप्त, 35 रन रन पर्याप्त नहीं है, और अब आखिरी ओवर का खेल, और मेरे ख्याल से पंकज पाटिल पालन इनको बॉलिंग दी जाएगी। गुड्डू चौहान, पंकज पाटिल पालन, राकेश प्रभु, ये कुछ अच्छे ऊंचे कद वाले खिलाड़ी है और उनका क्रिकेट भी कद्दावर है। पंकज पाटिल लेदर बॉल में जब बॉलिंग करने आते हैं, आप उनका अगर रनअप देखेंगे तो आप दीवाना बन जाएंगे, आपको लगेगा वेस्ट इंडीज का कोई बॉलर आ रहा है। मैंने लुपिन प्रीमियर लीग किया था पीडीटीएसए के ग्राउंड पे, तब मेरी पहली बार उससे मुलाकात हुई, और पालघर के प्लांट ने उसको जीता था, और लेकिन क्या फायरी स्पेल किया था उन्होंने। और अब छोटे रनअप पर बॉलिंग करेंगे, ओ बिल्कुल हलक में आती हुई गेंद, नया बैटर है विवेन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 for 5। अब कैवल्य पाटिल ने साहस तो किया है, गेंद के नीचे फील्डर भी आ रहे, लेकिन गेंद दोनों के बीच में से पेड़ पौधों में जाती हुई, और अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। प्रशांत मैगर 6 रन, कैवल्य पाटिल, कैवल्य का कौशल्य आपने देखा, क्या बेहतरीन पुल शॉट था काउ कॉर्नर में, 6 रन। इस बार पालन ने थोड़ा स्लो गेंद की, स्कोर अभी 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। लास्ट ओवर, मेरे ख्याल से ये मैदान पर 5 ओवर में 60 रन चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट 60 इफ नॉट मोर टू फाइट इट आउट, और फिर अगर आपके समय पे बारिश होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस बार कैवल्य का एक और टावरिंग शॉट, अनंत वाघ गेंद के नीचे पहुंचे, लेकिन वहां पर अनंत भी गिरे। बारिश के क्रिकेट का यही मजा है राजेश कुले, यहां से कुछ ही किलोमीटर पर एसएल वर्ल्ड है, और जी टीवी का वो एड मुझे याद आता है, जो मैगी के लिए मैं कहना चाहूंगा, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं, खेलूंगा मैं, कूदूंगा मैं, आसपास जाऊंगा मैं, 700 रुपए में एसएल वर्ल्ड जाने की बजाय बस इस तरह का क्रिकेट खेलिए, स्लाइड कीजिए, ग्लाइड कीजिए। इस बार 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40, दूसरे की जरूरत कर दी है वहां पर, रनआउट का खतरा और आउट घोषित किया है वहां अंपायर अजीत मात्रे ने। छठा विकेट का पतन, कैवल्य आउट हुए और उनकी जगह नए बैटर, 1 रन गिना जाएगा, दूसरा रन लेते समय ये विकेट। टेनिस क्रिकेटर्स की कमिटमेंट आप देखिए,
मतलब ऐसी बारिश में टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, टी10, अमका तमका कुछ नहीं होगा, होगा तो केवल रबर बॉल क्रिकेट। मैं बैठ रहा है शाम। कैवल्य पाटिल ने एक अच्छी पारी खेली, 16 रन बनाए 9 गेंदों में। थोड़ा और रुक जाते, एक 8-10 रन बना सकते थे ऐसा मुझे लगा, लेकिन यस वेरी वेल प्लेड। इस बार बॉल गई है वाइडिश गली में, राकेश प्रभु को स्वयं जाना पड़ा बैकअप करने के लिए। अब पंकज पाटिल पलन गए वहां पर, पलन गेंद को पकड़ेंगे, स्टंप पे लगाएंगे और एक और विकेट। आउट होते हुए श्याम और जेजे स्पोर्ट्स भाईंदर बॉयज का गिरने वाला एक और बड़ा विकेट। स्कोर 46 फॉर 7 विकेट्स। इस मैच की विजेता टीम को तुरंत रॉयल स्टनर्स मीरा रोड ये टीम के साथ खेलना है, जिन्होंने एराकी उमेश इलेवन को पराजित किया। तो 5 ओवर का खेल समाप्त हो गया है, दूसरी पारी में 47 रन बनाने हैं। 47 एक मैनेजेबल स्कोर है और पूरा इसका श्रेय जाता है आज जो बोलिंग रही है, प्रज्योत अंबीरे ने लाजवाब गेंदबाजी की और तमाम गेंदबाजों ने उनका अच्छा साथ दिया। नियमित अंतराल पर विकेटें गिरती गई, एकमात्र कैवल्य बंधु पाटिल इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। बाकी 20 रन वेदांत ने बनाए और यही दो बल्लेबाजों ने रन बनाए, बाकी के बल्लेबाजों ने निराश किया। और अब 47 रन बनाते समय यहाँ पर दो ओपनिंग बैटर्स का आगमन होगा, वो किस तरह से इस स्कोर का पीछा करते हैं, आइए सुनते हैं इसकी कहानी राजेश कुड़े की जुबानी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस। आणि तोच फलंदा आता सलामीला येतोय, कारण डावखुरे बॅट्समनना या मैदानावर खूप ऍडव्हान्टेज असतं। या अगोदर देखील आपण जर पाहिलं तर या मैदानावर एनडी अशरफ खान, रॉयल वॉरियर्स बोरिवली बॉईज रोहित नार्वेकर चतुर याने गतवर्षी 16 फेब्रुवारीला या मैदानावर 6 बॉलना 6 षटकारांचा रेकॉर्ड केला होता। त्या अगोदर जर पाहिलं तर राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी पहिल्या पर्वामध्ये सुमित ढेकळे 14 बॉलमध्ये 55, कित्येक असे खेळाडू आहेत डावखुरे फलंदाज ज्याने आपले योगदान दिले विक्रोळींसाठी, शशिकांत कदम आणि याच
यादी मध्ये या देखील बॅट्समनचं नाव आहे, कारण ज्यावेळेस तिसरं पर्व होतं 2018 ला, त्यावर्षी जयेश सँडी एसपी असं वाटलं होतं की सेमी फायनल जिंकून फायनल मध्ये प्रवेश करेल, त्यावेळेस आशिष आगरकर क्वार्टर फायनल मध्ये जीआय 11 पिंटू पारच्या समोर 6 बॉलला 7 करायला दिले नव्हते, आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर पहाटे निघाला हा संघ आणि इथे 7:30-8 दाखल झाला, कारण सेमीफायनल लवकर खेळवायची होती आणि एका ओव्हर मध्ये 19 धावांची गरज असताना विशाल तामोरे आणि या बॅट्समनने अप्रतिम कामगिरी केली आणि सँडी एसपी संघाचं हॅट्रिक राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी 2 लाखाची स्पर्धा जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं होतं, तोच डावखुरा बॅट्समन मात्र यावेळेस गोलंदाज वेगळे असणार आहेत आणि एकमेकांसमोर कित्येक वेळा आलेले आहेत. जर आपण मीरा भाईंदरचं क्रिकेट पाहिलं, उत्तनचं क्रिकेट पाहिलं, अजूचंद्र नायगाव वसई विरार वज्रेश्वर या परिसरामध्ये डहाणू पालघर सफाळे बोईसर क्रिकेट निश्चितच एक चांगल्या प्रकारे खेळलं जातं. लेदर क्रिकेट देखील सायन्स क्लब जर आपण पाहिलं तर या संघाकडून या वेगवेगळ्या खेळाडूंनी आपलं योगदान देखील दिलेलं आहे आणि स्ट्राईकला आता आपण ऋतुबाग मॅगीला पाहणार आहोत. मॅगी स्ट्राईकला आहे, गोलंदाजी करण्यासाठी पहिलं षटक घेऊन येतोय बॉलर. अंकुश पहिलं षटक घेऊन कॉमेंट्री बॉक्स एन कडून संतोष तयार होत आहेत. आपण ही स्पर्धा पाहत आहोत जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान MHB कॉलनी बोरली पश्चिम या ठिकाणी बिग रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट पावसाळी क्रिकेटची स्पर्धा 14th वर्ष 14th पर्व लेजंड दीपक सर मेमोरियल ट्रॉफी आपण पाहत आहोत. पहिला चेंडू संतोषांचा, पहिला चेंडू ऑन साईडला खेळतोय, डीपला खेळाडू मॅकमिलन फील्ड करतोय, स्वतःचं वैयक्तिक खातं खोलतोय, धावसंख्या 1. दोघं जर आपण पाहिलं खेळाडू तर दोघांची ओळख एक विशिष्ट ओळख आहे, आक्रमक तितकेच घातक आणि तितकेच संयमी देखील, मास्टर माइंड आहेत दोघांनाही कल्पना आहे. मॅच सिच्युएशन वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये कसं खेळायचं आज आपण विनायक ज्या पद्धतीने जर आपण पाहिलं तर जी बॅटिंग करणं पसंत करतो राकेश तो स्ट्राईकला आहे. डावखुरा एक हाडीटर डीप लॉंग लेगला आदित्यला आपण पाहतो, डी स्क्वेअरला काय डीप मिडविकेट आहे लॉंग ऑन आहे, असे 5 खेळाडू आपल्याला एक बिहाइंड बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि शरीरावरती प्रहार होता. चेंडूचा शॉटम पूल करण्यासाठी गेले होते, तितकंसं प्रॉपर टायमिंग नाही, कैवल्य त्या ठिकाणी. 2 चेंडू 2 धावा 47 धावांचं मोठं आव्हान नाही आहे आणि ज्या ज्या वेळेस अशा प्रकारचं सर्कलचं ग्राउंड MHBच्या मैदानावर खेळणं कित्येक वेळा खूप खेळाडूंना आवडतं आणि या ठिकाणी रबर बॉलला जर तुम्ही असाल तर तुम्हाला चौफेर फटकेबाजी करता येईल आणि त्या प्रकारेच बॅट्समन ट्राय करतो. पुढचा चेंडू संतोषाचा, अतिशय चांगला फटका, स्टँड अँड डिलिव्हर, व्हॉट अ शॉट, समोर मिळाला आणि बॅट्समनने हाफ फॉली घेऊन त्या चेंडूला फक्त दिशा दिली, चांगला फॉलो थ्रू होता बॅटचा, बॅलेन्स अप्रतिम होता आणि चेंडू सीमापार, उत्तुंग षटकार, बिग वन. धावसंख्या 3 बॉल 8 धावा, सुरुवात चांगली. याच फलंदाजीसाठी मॅगी नेहमी प्रसिद्ध, आनंद बाग स्ट्राईकला आहे. संतोष षटकाची पुढचा चेंडू, अतिशय चांगला चेंडू निघतो का बघूया, येस बाहेर निघतोय. यष्टी रक्षक त्या ठिकाणी तयार आहेत, डीप थर्डमॅन आहे, डीप फाईन लेग, डीप स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, एक वाईडिश लॉंग ऑन, थोडंसं काऊ कॉर्नरला आपण मॅकमिनला पाहतोय, लॉंग ऑन आहे, कव्हर आहे अँड डीप पॉईंट. संतोष 4 बॉल धावसंख्या 8, आउट साईडला पुन्हा एकदा मिडल लेग स्टंपर पिचिंग होती, चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न होता, जोपर्यंत चेंडूवर यष्टी रक्षक पोहोचतात 1 धाव पूर्ण होते. राकेश प्रभू याला आपण पाहतो उंचपूर असा खेळाडू, वर्सोवेच्या स्पर्धेमध्ये अक्षरशः ते मैदान गाजवलं होतं, 6 बॉलला 6 षटकार. ज्या ज्यावेळेस लेदर क्रिकेट खेळतो त्यावेळेस त्याचं टायमिंग वेगळं पाहायला मिळतं, बॉटमॅनचा वापर करणारा खेळाडू आहे, चांगली हाईट आहे, चांगला बॉटमॅनचा वापर करताना जे हँड आय कॉर्डिनेशन त्याचं पाहायला मिळतं आणि स्टान्स चांगला आहे टायमिंगच्या माध्यमातून, ज्यावेळेस फुटवर्क पाहायला मिळतं, असा हा खेळाडू अष्टपैलू असा खेळाडू स्ट्राईकला सज्ज होतोय. संतो याचा पुढचा चेंडू आणि मिडल लेग स्टंपर पिचिंग, ऑफ कटर टाकायला गेले होते, समोर मिळाला पुन्हा एकदा आणि या चेंडूला दिशा देतोय, चेंडू जातोय सीमापार, मिड विकेटच्या वरून षटकार. 47 धावांचं आव्हान सुरू करण्यासाठी पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 धावा निघालेल्या आहेत आणि धावांची गरज आता एकूण आहे आपल्याला पाहायला मिळेल ती म्हणजेच 32, कारण ही सुरुवात आवश्यक आहे. TWचे डॉमिनेटर पालघर या संघाचा गेले 5-7 वर्षामध्ये जर आपण परफॉर्मन्स पाहिला
जर 2015 नंतर तर खूप अप्रतिम असा खेळ या संघाने केलेला आहे. तंडी पालघर या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना ज्यावेळेस त्यांनी दुसऱ्या पर्वामध्ये या ठिकाणी आपलं योगदान दिलं, राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी, ग्लेन वैती उर्फ कोळे याचं देखील हार्दिक स्वागत, सेंडीएसपी विजय दुर्ग इलेव्हन ज्यावेळेस सुप्रीमो जिंकले त्यावेळेस त्या स्पर्धेचा मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीर कार आयटेन जिंकणारा खेळाडू, बंदरपाखाडी गाव जे गाव टू गाव ग्रामीण क्रिकेटमध्ये प्रणय कोळी, विवेक भंडारी, मनीष, ग्लेन सारखे कित्येक खेळाडू, रोहित नार्वेकर, सौरभ सिंग, चिचा, राजस यांनी देखील यावर्षी अक्षरशः ग्रामीण क्रिकेट गाजवलं गाव टू गाव. आणि तोच ग्लेन या ठिकाणी आलेला त्याचं देखील हार्दिक स्वागत. गोलंदाजी करण्यासाठी कैवल्य चांगले व्हेरिएशन्स आहे. बाईंदरमधील एक दिग्गज लेजंड टेनिस क्रिकेटर आपल्यामध्ये व्यासपटावर उपस्थित आहेत, राजू पाटील सर, ते देखील निश्चितपणे. ओ चांगला चेंडू ऑफ कटर. ज्यावेळेस कैवल्य मला आठवते 2011 स्पर्धा साई सह्याद्रीनगर चारकोपला जी लाखाची स्पर्धा होती सह्याद्री सराज यांच्या वतीनं, त्यावेळेस देखील राजू पाटील सर खेळले होते ट्रॉम्बेच्या संघाविरुद्ध गनी बाईचा संघ होता गनी इलेव्हन, त्यावेळेस कैवल्यने देखील आपली कामगिरी त्या स्पर्धेमध्ये दिली होती. आता मात्र उंचटवलं होतोय चेंडू डीप मिड विकेटला, खेळाडू त्या ठिकाणी होते मात्र क्लिअर होईल उतुंग षटकार बिग वन. थोडासा बॅकअप द लेन, त्यानंतर वाट पाहिली मॅगीने आणि चेंडूवर प्रहार केला, चेंडू सीमापार षटकार. चांगली सुरुवात, पहिला चेंडू ज्या ऑफ कटरने थोडासा वेट अँड वॉच, मगाशी म्हटलं दोघंही डेंजर बॅट्समन आहेत मात्र क्षमता यांच्याकडे संयमाची देखील आहे. ज्या प्रकारे प्रत्येक चेंडूवर चौकार षटकार म्हणजे क्रिकेट नाही तर काही चेंडूंचा आपण सामना करणं गरजेचं आहे आणि खराब चेंडूवर तुम्हाला प्रहार करणं गरजेचं आहे आणि चांगल्या चेंडूंचा सन्मान करणं गरजेचं आहे, हेच रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते. अंगावरती आतमध्ये घेऊन आले चेंडूला, फक्त दिशा दिली. जोपर्यंत या ठिकाणी बॅकवर्ड पॉइंटला चेंडूवर खेळाडू जातो यष्टीरक्षक, एक धाव पूर्ण, धाव संख्या 22, धावांचं लक्ष्य 47 आहे. आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करताना जे टार्गेट सेट केलेलं आहे कैवल्यने बॅटिंगमध्ये परफॉर्मन्स दिला, गोलंदाजीमध्ये देखील त्याच्याकडनं अपेक्षा असतील कर्णधाराला. जे जे स्पोर्ट्स भाईंदर बॉईज या संघाला आपण पाहते, जोनस यांचा संघ, ज्या प्रकारे जोनस याच्या खेळाचा देखील सरांनी उल्लेख केला, हरीश पंड्या सरांनी, राजेंद्र इलेव्हन, त्याचप्रमाणे बंड्या बॉईजसाठी आक्रमक बॅटिंग करणारा बॅट्समन म्हणून होता. पूल केलेला आहे चेंडू वन बाउन्स, मात्र आउटफील्डमध्ये मगाशी म्हटलं की तुम्हाला क्लिअर करताना काही क्षेत्र निवडावे लागतील. डीप स्क्वेअर लेग आहे, त्याचप्रमाणे जर आपण पाहिलं डीप पॉइंट आहे डावखुऱ्या बॅट्समनसाठी, ज्या ठिकाणी थोडं आपल्याला जास्त कुरण जे गवत आपल्याला पाहायला मिळतं आउटफील्डला, तर लॉंग ऑफ लॉंगन आणि काऊ कॉर्नर राईट हँड बॅट्समनसाठी निश्चितच आउटफील्ड बऱ्यापैकी, ज्या ठिकाणी चेंडू लँड झाल्यानंतर ट्रॅव्हल होऊ शकतो. व्हॉट अ शॉट, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून हा येतोय षटकार. इट्स अ टिपिकल स्ट्रोक ऑफ मॅगी इज ऑन फायर, ही सोळख या दोघांची आहे आणि तेच दाखवतोय मॅगी. मिडल लेग स्टंपरचा पुन्हा एकदा चेंडू, चांगला पिक केला, चांगलं टायमिंग आणि चेंडू सीमापार षटकार. धाव संख्या 31, 29 धावा झालेल्या आहेत, क्षमा करा 29 धावांची अजून एक गरज आहे ती म्हणजे 18. सो थ्री बिग स्ट्रोक अवे फ्रॉम द विक्ट्री. बॉल आलेला आहे टेनिसचे रबर बॉल आपण पाहतोय आणि खूप चांगल्या प्रकारे उसळी घेणारे चेंडू आहेत, मात्र बॉलिंग करणाऱ्या गोलंदाजाला देखील खरी कसोटी आहे, परीक्षा अग्निपरीक्षा त्याची देखील आहे, कारण बॉलिंगचं पॉपिंग किचं जे आपण क्षेत्र पाहिलं त्या ठिकाणी पाण्याचं जास्त वशा पाहायला मिळतो, त्यामुळे थोडंसं गोलंदाजीमध्ये मार्क करताना गोलंदाजाला थोडासा अंदाज घ्यावा लागणार आहे. मगाशी प्रज्योतला देखील आपण पाहिलं थोडंसं थांबून वेळ घेऊन गोलंदाजी करत होता. आता मात्र स्कूप या ठिकाणी डीपला खेळाडू आहे, मात्र त्याच्यावरून वन बाउन चेंडू सीमापार. मेरी झलक सबसे अलग, पुन्हा एकदा अजून एक इम्प्रुव्हायझेशन, चांगलं एक्झिक्यूट केलं, चेंडूला बडवलं सुपर फाईन, फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार. धाव संख्या 33-33, धावांची गरज आहे 14, 2 नंतर 33, 16.5 सरासरी, 16.50. लेट्स दीपक शाह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट आपण पाहत आहोत. यानंतर होणारा सामना या मॅच मधील विजेता जो सुरू असलेला सामना आपण पाहत आहोत TWJ डॉमिनेटर पालघर विरुद्ध JJ स्पोर्ट्स भाईंदर बॉईज यातील विजेता संघ विरुद्ध रॉयल सनर्स मीरा रोड. त्यामुळे रॉयल सनर्स मीरा रोड संघाच्या कॅप्टनला विनंती करेन की आपण कॉमेंट्री बॉक्स जवळ सज्ज राहायचं आहे, ज्या ठिकाणी आपला प्रेझेंटेशन बॉक्स आहे. फॉर द टॉस पॉईंट ऑफ व्ह्यू प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू द कॅप्टन ऑफ रॉयल सनर्स मीरा रोड उबेद खान मुन्ना, प्लीज कम ऑन द स्टेज.
जैसे ये मैच पूरा होगा अगले मैच की तरफ जाएंगे जहां पर क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। अब गेंदबाजी के लिए यहां पर आएंगे गेंदबाज राइनल मैन फ्रॉम उत्तन और एक भाईंदर के बेहतरीन खिलाड़ी मैकमिलन राइनल। इन्होंने अपना अच्छा दमखम दिखाया था इस साल 2021 के युवा सेना ट्रॉफी विनर्स के ग्राउंड पर गोरेगांव। पहली गेंद अच्छी गेंद पिचिंग होने के बाद बल्लेबाज को थोड़ा यहाँ पर समझने पर मजबूर किया, विचार करने पर मजबूर किया। रौनक देसाई की जो टूर्नामेंट थी युवा सेना वहां पर पूरी तरह से प्रभावित किया था इस खिलाड़ी ने। विजय जाधव की टीम से खेलने के लिए अपना योगदान दिया था। फिर एक बार शॉट ऑन फुल करने के लिए बैकफुट पर गए थे, समय लिया था लेकिन स्ट्रोक को पूरी तरह से अंजाम तक नहीं पहुंचाया। केवल एक रन मुकम्मल, एक रन का इजाफा और रन संख्या एक रन के साथ 34 रन। अब जीतने के लिए केवल 13 रन की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रैनल। अंडर 22 की जब मैंने बात की यहाँ पर राजू पाटिल सर भाईंदर के अंडर 22 के खिलाड़ियों को लेकर एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन जब प्रबोधन के ग्राउंड पर किया गया था 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को, इन्होंने योगदान अपना दिया था। अगली गेंद फिर एक बार अच्छे से रिस्ट घुमा रहे और सामने पाया लेग बिफोर विकेट। आज के दिन का पहला लेग बिफोर विकेट रिस्ट घुमाते हुए पिचिंग होने के बाद अंदर आई और नीचे रहती हुई गेंद थी और वही बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज को थोड़ा सा यहां पर अपना दमखम दिखाते हुए विकेट का पतन। पहला विकेट और रैनल ने पहले विकेट और पहली सफलता पहली कामयाबी दी अपने टीम के लिए। करण नए बल्लेबाज, इनके पास भी क्षमता है। लिटिल मास्टर हमेशा और जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जिस खिलाड़ी को मिला है पहले मैच में हमने देखा था जिस तरह से मुकेश रायकर जो आईसीए की तरफ से जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार टी शर्ट दिया है वो आपको पहनकर जो टी शर्ट जो आपको किट्स दिया है वो पहनकर आपको खेलना है। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कामे स्पोर्ट्स आईसीए इनकी तरफ से दिया जाएगा। शिकागो यूएसए यहाँ पर जो लीग मैचेस खेला जाने वाला है जहाँ पर आपको निश्चित तौर पर जो इस प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज बनेंगे ₹5,000 और कैश प्राइज के अलावा आपको मौका मिलने वाला है वहां पर खेलने का। फिर एक बार बेहतरीन गेंद सामने पाया, फिर एक बार मिडल स्टंप पर गेंद थी पूरी तरह से अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने की कोशिश लेकिन पिचिंग होने के बाद तुरंत अंदर आती हुई गेंद समझ नहीं पाए। बैक टू बैक दो विकेट, इसकी बात का जिक्र कर रहा था मैं कि किस तरह से राजू पाटिल सर ने जो अंडर 22 भाईंदर में तैयार करे हैं जो जिस तरह से एक अलग कोशिश जारी है प्रयास कर रहे हैं कि इन्हीं युवाओं के दम पर आने वाले एक जनरेशन तैयार कर सकते हैं। रायनल इनमें से एक है। मैकमिलन को हमने देखा अलग अलग जगह पर एक प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट भी खेलते हैं लेकिन अब प्रशांत गरत सुप्रीमो ट्रॉफी में कोई नहीं भूल सकता है वो सिक्स अगर लगता तो शायद फाइनल में ये टीम हो सकती थी जिस तरह से बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ था। टीडब्ल्यू जो डोमिनेटर पालघर जो प्रशांत बल्लेबाजी कर रहे थे और जिस तरह से वहां पर करण ने अपना योगदान दिया था लेकिन अब प्रशांत यहां पर आएंगे दो लगातार बैक टू बैक हैट्रिक का मौका। इसके पहले आयुब को हमने देखा था, रोहित फिरोज को वो मौका मिला था, अब हैट्रिक के लिए मौका कि यहां पर इस प्रतियोगिता की इस चौथे सीजन की लेट सर दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी का हैट्रिक यहां पर बनेगा या नहीं। बल्लेबाजी के लिए प्रशांत गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद शॉर्ट गेंद ज्यादा बैक ऑफ द लेंथ पुल किया उस गेंद को एक रन के लिए, एक रन के साथ रन संख्या स्कोर 35। अच्छी गेंदबाजी, अंकुश लगाकर गेंदबाजी करें, किफायती वाली गेंदबाजी और अनुशासन नजर आता है, डिसिप्लिन से गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा भटक नहीं रहे हैं। ऑफ स्टंप बेसिक क्रिकेट जिसे कहते हैं गेंदबाज का वो यहां पर चल रहा है और एक एडवांटेज है। देखिए सुबह के सत्र में अगर देखा है तो जो 6-8 मीटर का जो पानी का जो अंश था अब कम होते हुए नजर आता हूं, वहां से पिचिंग होने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई। अगली गेंद फिर एक बार रिस्ट घुमाते हुए, इट्स अ टिपिकल ऋषभ पंत स्टाइल में स्ट्रोक और साइड पर बिहाइंड विकेट, वहां पर आदित्य शेट्टी एक रन के साथ रन संख्या 36 और मिस्टर पाटने मैन फ्रॉम मालाड ईस्ट कुरार विलेज बघा बरं सरांचे जुने मित्र कित्येक वेळा एकमेकांसमोर वेगवेगळ्या संघांकडून जे सुनील नार्वेकर सर देखील नर्मदा अर्जुनकडून खेळायचे त्यावेळी देखील पाटणे सरांना आपण पाहिले आणि त्यावेळेस बंड्या बॉईजकडून लीड करायचे बरं सर, तर पाटणे सरांचं देखील हार्दिक स्वागत। अजून एक जुने मित्र परिवार या ठिकाणी भेटत आहेत। ओव्हर या ठिकाणी समाप्त होते तिसरी आणि 3 ओव्हर नंतर धाव संख्या 36, 2 ओव्हर नंतर 34 होती, या ओव्हरमध्ये दोनच धावा दिल्या आहेत, 2 ओव्हरला 33
आणि या ओव्हरला तीन धावा देऊन विकेट्स घेतल्यात दोन, दोन्ही पायचीच्या विकेट आपण पाहिल्यात. सो इन द थर्ड ओव्हर इट वॉज अ ब्युटिफुल ओव्हर बॉल बाय रायनल द अंडर 22 प्लेअर ऑफ बाईंदर उत्तान, बोल्ड टेरिफिक लायनल एन टू कन्सिक्युटिव्ह विकेट हॅड बीन टेकन इन द फॉर्म ऑफ लेग बिफोर विकेट मॅगी अँड द नेक्स्ट डिलिव्हरी करन बॅक टू द पॅव्हलियन. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द शोल्डर ऑफ दिस बॅट्समन राकेश प्रभू इज ऑन स्ट्राईक, स्टील 11 रन्स टू विन, जस्ट टू रन्स अवे फ्रॉम द विक्ट्री. दो बड़े हिट की जरूरत और गेंदबाजी के लिए अब आएंगे विवियन. तर गोलंदाजीसाठी विवियन येतात आणि विवियन म्हटलं तर एक मोठं नाव क्रिकेटमधलं आपण इतिहासातलं पाहू शकतो. आणि फुलटॉप लो फुलटॉप चेंडूला दिशा देतो, चेंडू आता डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. विवियन रिचर्ड सरांचं वेगळं योगदान क्रिकेटसाठी, एक आदर्श सचिन तेंडुलकर सरांचे ज्यावेळेस पालपणामध्ये क्रिकेट. आणि बघा या ठिकाणी कधी इकडून थ्रो कधी तिकडून थ्रो आणि या दरम्यान दोन धावा पूर्ण होतात. मॅकमिलन प्रयत्न करत आहे आणि या ठिकाणी दोन धावा पूर्ण होतात, नऊ धावांची गरज विवियन गोलंदाजी करतो. पहिला चेंडू लो फुल टॉस होता, डीप स्क्वेअर लेग लीप जर आपण पाहिलं तर बिहाइंड विकेट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कोणी नाहीये, मात्र एक डीप लॉंग लेग आहे, डीप थर्ड मॅन एक आहे, पॉइंट आहे, कव्हर आहे, लॉंग ऑफ एक्झॅक्टली आपण पाहत आहोत लॉंग ऑफ पोझिशनला आणि कव्हर आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या मध्ये गॅप आपण पाहतो. व्हॉट अ शॉट, इट्स अ टिपिकल स्ट्रोक ऑफ राकेश प्रभू. डोंट बोल सच अ लाईन लेंथ फॉर दिस काइंड ऑफ अ बॅट्समन. आणि हा येतोय षटकार, बिग वन, धावसंख्या 44. या वर्षीच्या रबर बॉल मध्ये स्पर्धांमध्ये फॉर्म मध्ये असलेला बॅट्समन आहे आणि नेहमीच या मैदानावर या बॅट्समनने कित्येक चांगल्या खेळी केलेल्या आहेत, त्यापैकी अजून एक नेत्रदीपक खेळी. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, थोडासा इंच वाजला, उजवा स्टंप या ठिकाणी निश्चितपणे मिळू शकला असता, मात्र बॅट्समन देखील म्हणत असेल जर टायमिंग झाला असता तर समोर होता. त्यामुळे शेवट बघूया गोड होते का. 47 धावांची गरज आहे, रॉयल स्टनर्स तयार राहा. शॉर्ट चेंडू, शॉर्ट ऑन पुल, पॉवरफुल, आउट ऑफ द पार्क. व्हॉट अ एंड ऑफ दिस मॅच अँड व्हॉट अ फिनिश बाय राकेश प्रभू, ही इज ऑन फायर. मी विनंती करेन आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये रॉयल स्टनर्स कॅप्टन उबेद खान आपण यायचं आणि कॅप्टन TW डॉमिनेटर पालघर या दोन संघांमध्ये पुढील क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहणार आहोत. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत, त्यामुळे प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी अतिशय चांगला सामना हा देखील पाहायला मिळेल. एका बाजूला उबेदला आपण, आयुला पण, जुनेद, आमिर, तर एका बाजूला मॅगी आला आपण पाहणार आहोत, करण आहे, राकेश, प्रशांत. एक चांगली गोलंदाजी अटॅक आपण पंकजला पाहिलं, त्यामुळे एक चांगला ओव्हरऑल परफॉर्मन्स पाहायला मिळेल. अँड ओव्हर टू हरीश पंड्या सर फॉर दी प्रेझेंटेशन. धन्यवाद राजेश कुळे. मित्रांनो, दीपक शाह मेमोरियल स्पर्धेचा सामनावीरचा पारितोषिक देण्यासाठी मी पाटणे सरांना बोलू इच्छितो. मेहमूद इलेव्हन आणि या पाटणे सर, या मेहमूद इलेव्हनला वर आणण्यासाठी सुरेश दळवी आणि पाटणे सरांनी जी मेहनत घेतली आहे, भरत वाघेला यांचे जुने सहकारी आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण हे सामनावीरचं पारितोषिक देणार आहोत. इलेनॉय क्रिकेट असोसिएशन यांनी पुरस्कृत केलेली गिफ्ट टेम्पर आणि कामे स्पोर्ट्स यांनी पुरस्कृत केलेला टी शर्ट. या पाटणे साहेब, तुमच्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट द्यायचं आहे. प्रज्योत अंबिरे, 2 षटक 15 धावा 3 गडी बाद. इलेनॉय क्रिकेट असोसिएशन, लक्षात ठेवा मित्रांनो, येणाऱ्या दिवसांमध्ये इलेनॉय क्रिकेट असोसिएशनचे भरपूर इनिशिएटिव्ह जगभर तुम्ही पाहणार आहात. And one of the greatest opportunities to play in America. पण त्यासाठी मेहनत आहे. इलेनॉय क्रिकेट असोसिएशनचा हे ट्रॅक पॅन्ट, कॅप, कामे स्पोर्ट्सची ही टी शर्ट, और ये कॅप और टी शर्ट पहन के आपको खेलना है. प्रज्योत, टी शर्ट और कॅप पहन के आपको खेलना है. ये बहुत ही बढ़िया इलेनॉय क्रिकेट एसोसिएशन और भरत वाघेला इनके शुभादों से एक टी शर्ट भी होगा कामेश स्पोर्ट्स का. अभिनंदन प्रज्योत अंबिरे और भरत वाघेला,
लेजेंडरी प्लेयर, मतलब मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट्स प्लेयर है भरत वाघेला। इसने जो क्रिकेट खेला है मंदार और भरत, द ड्रीम पेयर दैट वन हैज एवर सीन इन क्रिकेट। थैंक यू सो मच प्रज्योत अंबीरे, धन्यवाद पाटने साहब, धन्यवाद भरत वाघेला, थैंक यू सो मच नरेश चौहान, इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन एंड विनय सिंह। आइए अगला टॉस करेंगे पाटने सर के हाथों। खेलने वाली टीम है रॉयल स्टनर्स मीरा रोड, और अभी अभी जिन्होंने जीत हासिल की TWJ डोमिनेटर पालघर। दोनों कैप्टन आ जाएं प्लीज टॉस के लिए। मुकेश गायकर आ चुके हैं, ये मुकेश इकड़े, आइए मुकेश गायकर आपके साथ एक तस्वीर। इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन, वन टीम वन ड्रीम, एवरी ड्रीम इज इंपॉर्टेंट एंड इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन इज देयर टू फुलफिल योर ड्रीम्स इफ यू प्ले वेल। आइए अब टॉस के लिए मुकेश गायकर आ चुके हैं, दूसरी तरफ प्रज्योत अंबीरे आ चुके हैं। आइए कैप्टन ऑफ रॉयल स्टनर्स मीरा रोड उबैद खान, वेलकम उबैद भाई एंड वेलकम प्रज्योत।